फ्रेंड्स हाउ आर यू आई एम am एन and वेलकम यू once again टू परचम Classes. आज का जो सेशन है वो वर्ल्ड geography के ऊपर है इंडियन geography आज नहीं लेकर के आए हैं बिकॉज lot ऑफ यू हैव बीन आस्किंग वर्ल्ड geography also. सो so, आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट straits एंड channels ऑफ the वर्ल्ड बट बिफोर वी स्टार्ट विद the वीडियो uh, जल्दी से मैं आपको information दे देती हूँ कि मेरे जो क्लासेस हैं लॉर्ड ऑफ यू हैविन आस्किंग रिचा मैम आपके क्लासेस कब आएंगे सो so, मेरे classes Tuesday, थर्सडे और संडे को आया करेंगे ठीक है कोशिश तो 7 पीएम की रहेगी ट्यूजडेज एंड थर्सडेज को बट देन uh, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जैसे कि आज का वीडियो हो रहा है सो सेवन टू नाइन के बीच में आप मान के चलिए बट येस ट्यूजडे थर्सडे एंड संडे दीज आर द डेट्स डेज फॉर माई क्लासेज ओके okay, जो भी मैं पढ़ाती हूँ एज इट इज़ उनका पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाता है आप बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हो जबकि हम हर वीडियो में बताते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वेबसाइट है परचम क्लासेज डॉट इन आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं व्हाट एल्स ओके मैं चैनल पे क्या क्या लेती हूँ ये भी पूछते हैं आप लोग सो so, मैं जोग्राफी लेती हूँ इंडिया एंड वर्ल्ड जोग्राफी उसके अलावा मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी कला एंड संस्कृति का हिस्सा लेती हूँ और जो स्टैटिक के पोर्शन है वो मैं कवर कर रही हूँ लेटर ऑन आई वल बी टेकिंग मोर सब्जेक्ट्स बट अभी के लिए तीन चीज़ें हैं दैट आई एम कवरिंग ओके okay, और हां मैं मंथली करंट अफेयर्स भी लेती हूँ पूरे मंथ का एक कंपाइल्ड करंट अफेयर मैं आपके लिए बिगनिंग ऑफ द मंथ जो प्रीवियस मंथ है उसका मैं लेकर के आती हूँ so अब शुरू करते हैं आज की क्लास जिसमें मेजरली हम जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम मैप्स पे बहुत फोकस करते हैं बिकॉज जितना क्लियर आप देख पाओगे उतना दिमाग में सेटल होगा सो मैप्स और जो चीजें समझने की नहीं है मैप पे देखने की नहीं है उनको हम निमोनिक टेक्निक यानी स्मॉल सिंपल मेमोरी टेक्निक से लर्न करते हैं दिस इज हाउ आई टीच आर्ट एंड कल्चर हो करंट uh, अफेयर्स हो जोग्राफी हो निमोनिक टेक्निक्स यानी मेमोरी टेक्निक्स इज वन ऑफ माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो कि मैं देती हूं ताकि चीजें थोड़ी सिंपल हो जाए ठीक है so, सो समझने की चीज समझते हैं मैप पे जो देख सकते हो मैप पे देखते हैं और जो याद करने का है वो मेमरी टेक्निक से मैं पढ़ाती हूँ ओके आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ अब शुरू करते हैं आज की क्लास सो स्ट्रेट स्ट्रेट क्या होता है उससे समझने की कोशिश करते हैं देखिए स्ट्रेट इज बेसिकली लेट मी रीड एंड देन आई एक्सप्लेन नेचुरली फॉर्म्ड नैरो और टिपिकली नेविगेबल नेविगेबल यानी यूजली जिसमें से आ, शिप्स या नदियां नदियां नहीं नदिया बोट्स एंड ऑल जा सकती हैं नेविगेट कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि टू लैंड मासस के बीच में होता है दो लैंड मासिस को जुदा करता है यानी सेपरेट करता है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करता है वॉट इज अ स्ट्रेट स्ट्रेट इज बेसिकली एक ऐसा स्ट्रेच ऑफ वॉटर जो कि दो लैंड मासस को सेपरेट कर रहा है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा होता है उसको स्ट्रेट कहते हैं ठीक है और यूजली इसको नेविगेशन के काम में लिया जाता है कई बार नेविगेबल नहीं भी होता क्योंकि बहुत उथला यानी शैलो वाटर होते हैं यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है ठीक है सो सम स्ट्रेट्स आर नेविगेबल सम स्ट्रेट्स आर नॉट नेविगेबल अधिकतर नेविगेबल होते हैं कुछ नेविगेबल नहीं होते क्योंकि शैलो हो सकते हैं या फिर उनमें बहुत सारे रीफ्स और आर्किपेलेगो हो सकते हैं रीफ यानी कि मूंगे मूंगे की, की चट्टाने हो सकती हैं या फिर आर्किपेलेगोस यानी कि छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स हो सकते हैं है ना तो लैंड आ, लैंड एरियाज मासेस बीच बीच में इस वजह से नेविगेशन पॉसिबल नहीं होता तो स्ट्रेट समझ में आ गया किन दो को जोड़ता है दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और किन दो को सेपरेट करता है दो लैंड मासेस को सेपरेट करने की कोशिश कर मतलब कोशिश तो क्या करते हैं सेपरेट करता है उनके बीच में ये ये डिविजन की तरह आ जाता है पानी बन करके राइट चलिए नाउ हम पढ़ेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स और चैनल्स हैं वर्ल्ड के वो सब हम कवर करेंगे स्टार्ट करते हैं इंडियन ओशन के साथ में इंडिया के आसपास जितने भी चैनल्स और स्ट्रेट्स हैं उनसे शुरुआत करते हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाक स्ट्रेट पाक स्ट्रेट देखो जब इंडियन जोग्राफी हम इतनी पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता है कि जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है और ये जो श्रीलंका है इसके बीच में आता है यहां पर ये पाक स्ट्रेट वाला हिस्सा बेसिकली यहाँ पे आपने गल्फ ऑफ मन्नार पढ़ा है एंड ऑल दैट ठीक है अभी मैं आपको दिखाती चलूंगी एक और मैप अभी हम देखेंगे सो so, पाक स्ट्रेट की लोकेशन देख लीजिए तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पड़ता है और राइट लोकेशन बिटवीन तमिलनाडु और श्रीलंका के कौन से प्रोविंस की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये ध्यान रख लीजिए जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका ठीक है तो इंडिया की तमिलनाडु और श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंस की जाफना डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये स्ट्रेट पड़ता है ठीक है सो बेसिकली दिस इज द एरिया है ना देन इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल अब देखो ये किसको कनेक्ट करता है दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा तो यहां पे बे ऑफ बंगाल को किससे कनेक्ट कर रहा है पाक बे से कनेक्ट कर रहा है साउथ वेस्ट में तो यहां पे दिस एरिया ये जो आपको थोड़ा सा घुमाव दिख रहा है इस एरिया को बोलते हैं पाक बे ओके और ये पूरा बे ऑफ बंगाल है और इन दोनों को कनेक्ट करने का काम ये पाक स्ट्रेट कर देता है राइट आई होप वैसे तो आपको कलर दिख रहा होगा कलर की कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या लेट मी ट्राई एंड पिक सम अदर कलर इफ इट इज बेटर विजिबल रेड दिखता नहीं है सो लेट अस टेक वाइट ओके चलिए या आई थिंक बेटर आई एम सो सॉरी सेटिंग गॉट चेंज चलिए रिवर अब इस एरिया में पड़ने वाली इस एरिया में बहुत सी रिवर आकर के एम होती हैं आ, पाक बे में तो वो कौन सी रिवर मेजरली है एक मेजर रिवर है वेग नदी जो कि तमिलनाडु से आती है और इस एरिया में पाक स्ट्रीट वाले एरिया में आकर के मिलती है ओके ना, ये देखिए ये रहा पाक और ये जो पूरा एरिया है इसको पाक बे कहा जाता है इस एरिया को गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है और ये जो आपको एक छोटा सा कनेक्शन दिख रहा है यहां पे ये है एडम्स ब्रिज क्या है ये एडम ब्रिज जिसे राम सेतु कहा जाता था मानते हैं ऐसा पुराणों के हिसाब से के जो राम जी ने लंका जाने के लिए पुल बनवाया था वो यही पुल माना जाता है एडम्स ब्रिज जिसे राम सेतु भी कहा जाता है जल्दी से देख लेते हैं पाक बे पाक बे ये जो पूरा पाक बे है इसके साउथ में रीफ शोल्स दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एडम्स ब्रिज ठीक है एडम ब्रिज जिन्हें कहा जाता है ये कलर भी आई थिंक इज नॉट विजिबल आई एम नॉट हैप्पी विद दिस कलर जस्ट गिव मी अ मोमेंट लेट मी पिक अ बेटर कलर फॉर यू पीपल यस आई थिंक अ बेटर पर्व एंड अब हम वी आर ऑल सेट हम सो सॉरी वी आर ऑल सेट नाउ ठीक है सो एडम्स ब्रिज जिसे कि राम सेतु भी कहा जाता है वो कहाँ पर है वो है ये पाक स्ट्रेट के साउथ में या फिर आप ऐसे देख लीजिए दैट पाक बे के साउथ में राइट right? और ये जो चेन है ये जो पूरा आपको राम सेतु दिख रहा है ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है तो इंडिया में पंबन आइलैंड जिसे रामेश्वरम आइलैंड भी कहते हैं तमिलनाडु में पंबम पंबन, पंबन आइलैंड से लेकर के और ये मन्नार आइलैंड ऑफ श्रीलंका तक जाता है ठीक है तो एडम पंबन अब आ, राम बाण चलाते थे बाण तो बाण से पम बान याद आप रख सकते हो कि राम बाण यानी राम से तू, राम से जोड़ सकते हो अब राम बाण चलाते थे तो पम पंबान आइलैंड या रामेश्वरम आइलैंड से जाकर के कहां तक श्रीलंका में ये है मन्नार आइलैंड तक है ओके दिस आर सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना मूविंग ओवर टू नेक्स्ट ओके वेट 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 आई लेफ्ट समथिंग अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल ओके 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 यहाँ पे एक चीज है जो रह गई है लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का सबसे लंबा अगर कोई स्ट्रेट है तो वो कौन सा है स्ट्रेट ऑफ मलाका अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रेट ऑफ मलाका कहां है अगर आप चाहें तो यहीं पे वीडियो रोकिए और मुझे कमेंट करके बताइए स्ट्रेट ऑफ मलाका कहां पड़ता है ठीक है जल्दी से बताओ ओके okay, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके लिए है ही नैरोस्ट स्ट्रेट कौन सा है दुनिया का यानी सबसे संकरा स्ट्रेट अलग अलग चौड़ाई पे होते हैं कई जगहों पे बहुत नैरो हो जाते हैं तो ऐसा एक स्ट्रेट बताइए जो इंटरनेशनल नेविगेशन के काम में आता है यानी इंटरनेशनल सी रूट की तरह से यूज किया जाता है ये चीज ध्यान रखिएगा और जो सबसे नेरोएएस्ट है एक पॉइंट पे आकर के ठीक है तो उसका नाम जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ विच इज दी नैरोएस्ट स्ट्रेट जो कि इंटरनेशनल सी रूट की तरह काम में लिया जाता है और लॉन्गेस्ट स्ट्रेट मैंने आपको बता दिया स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है कहां पड़ता है मैं बताऊंगी वीडियो में बट आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में तब तक जल्दी से मुझे बता सकते हैं एंड जब भी वीडियो रिलीज होता है उसके आधे पौन एक घंटे तक अप्रॉक्सिमेटली मैं रहती हूँ कंटिन्यूसली आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और इंस्टेंट आपको रिप्लाई करती हूँ अगर आपकी कमेंट्स रिप्लाई करने जैसे हैं सर्टली और जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वो आप जरूर बताइएगा यू गेट अ हार्ट फ्रॉम अस ओके चलो सो कमिंग बैक टू ठीक है तो पार्क समझ में आ गया। पार्क और श्रीलंका के बीच में है और उसे से चुड़ा हुआ आपको Adam's Bridge यानी राम सेतु भी ध्यान रखना है लोकेशन ध्यान रखनी है ओके? Moving over to Duncan Passage. कौन सा है ये? Duncan Passage. Black. Black, black, black. Okay. I think ये विजिबल रहेगा है ना चलिए सो इंडियन ओशन में है किसको डिवाइड करता है कौन से दो लैंड मैसेस को डिवाइड करता है जल्दी से देख लेते हैं एंडमिन निकोबार आइलैंड हैं ना एंडमन आइलैंड में ही ग्रेट है एक लेसर है ये जो आप देख रहे हो ये पूरा ग्रेटर एंडमिन है ये लेसर एंडमिन है और इनके बीच में जो ये एरिया आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड डंकन पैसेज क्या बोलते हैं डंकन एंडमन डमन और डंकन मिलता जुलता ध्यान साउंड कर रहे हैं एंड डामिन और Duncan. तो इससे आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि डंकन पैसेज किसके बीच में है एंडमेन के ही बीच में है ग्रेटर और लिटिल एंडमेन को डिफ्रेंशिएट करता है ओके okay, अब ग्रेट एंडमेन में भी रटलैंड आइलैंड और लिटिल एंडमेन के बीच में ये पड़ता है और वॉटर बॉडीज कौन कौन सी आएंगे इनके बीच में देखो ये यहां पर है ये ग्रेट एंडमेन ये लिटिल एंडमेन और इनके बीच में डंकन पैसेज यहां पे आ जाता है बे ऑफ बेंगल और यहां पे कौन सी वाटर बॉडी आ जाती है एंडमिन सी तो कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है ये जोड़ता है बे ऑफ बेंगाल को एंडमिन सी के साथ में आई होप इट इज क्लियर यस चलिए डंकन पैसेज से जुड़ा हुआ हो गया डंकन पैसेज अंडमन में ही डिफ्रेंशिएट करेगा ग्रेटर और लेसर अंडमन के बीच में अब आ जाते हैं अगले पे अगले पॉइंट पे विच इज द टेन डिग्री चैनल वॉट इज इट डिग्री चैनल यस क्वेश्चन आता है टेन डिग्री चैनल अच्छा मैंने आपसे पूछा भी था Andaman और Nicobar Islands को differentiate या को या सेपरेट करने वाला कौन सा चैनल है पे आपसे किया गया था ठीक है ये देखो ये थे अब आपको दिखेगा नहीं अगेन दिस इज अग प्रॉब्लम टूडे आज कलर सेट नहीं हो रहा है ये हमारा ग्रेट एंडमिन था ये लिटिल एंडमिन था इनके बीच में कौन सा था डंकन पैसेज हमने पढ़ लिया ठीक है डंकन डंकन पैसेज ठीक है ये पूरा आ गया एंडमिन ये रहा निकोबार ठीक है इनके बीच में ये देखो ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है टेन डिग्री चैनल सो so, पूरे एंडमेन और निकोबार को डिफ्रेंशिएट करता है 10 डिग्री चैनल और इसको 10 डिग्री क्यों कहते हैं बिकॉज 10 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड पे पड़ता है इक्वेटर से 10 डिग्रीज ऊपर जो एरिया आता है जो पूरा लैटिट्यूड आता है वहां पे ये चैनल है इट इट इज 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 दैट डिग्री चैनल ओके फाइन चलो सो सेपरेट एंडमेन एंड निकोबार आइलैंड और ये कहां पड़ेगा बे ऑफ बंगाल में पड़ता है ठीक है टेन डिग्रीज पे लाइक करता है इसलिए इसका नाम ये पड़ा है एनी प्रॉब्लम स्टिल है आई होप शुड बी चलिए नेक्स्ट अब इसके बारे में टेन डिग्री के बाद में आता है नाइन डिग्री चैनल हम्म ये सारे कंफ्यूजन कॉज करेंगे एट डिग्री चैनल भी है हाँ एट डिग्री भी अभी बता देते हैं तो पहले नाइन डिग्री देखते हैं टेन डिग्री देख लिया एंडमेन और निकोबार के बीच में पड़ेगा इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है सेपरेट करता है ना नाइन डिग्री कहाँ पड़ता है ये आ जाएगा लक्षद्वीप में अब लक्षद्वीप कहाँ है अरेबियन सी की साइड है ना लक्षद्वीप आइलैंड्स जिनको लैकेडाइव भी बोलते हैं सो लक्षद्वीप के अंदर मिनी और मेन लक्षद्वीप आर्की पिलेगो जो है यानी पूरे जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनसे मिनी कॉय को डिवाइड करने का काम करता है अब ये देखो ये समझो ये रहे सारे लक्षद्वीप आइलैंड्स ठीक है ये अरेबियन सी भी हमने साथ में जोड़ लिया ये सारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और यहां पे ये देखो ये रहा मिनी कॉय ठीक है इनके बीच में ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड नाइन डिग्री चैनल फाइन अब यहां देख लो इंडियन ओशन में पड़ता है हमने देख लिया हिंदुस्तान का नक्शा नहीं भूलना है ये इंडिया है है ना और यहाँ पे अरेबियन सी जा रहा है अब आइलैंड्स ऑफ पहले यहाँ पे कल्पेनी लिखा है तो कल्पेनी सुहेली पार ये रहा सुहेली पार इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं एक बार कल्पेनी सुहेली पार और मालिको अटोल मालिको अटोल बेसिकली लोकल नेम है मिनिकॉय का और ये जो मिनिकॉय है इन तीनों के बीच का ये जो पानी है इसको कहते हैं नाइन डिग्री चैनल याद रहेगा तो बेसिकली पूरे लक्षद्वीप को मिनिकॉय से डिफ्रेंशिएट करता है और अगर आप इंडिविजुअल बात करें पर्टिकुलरली तो कल्पेनी सुहेली और मिनीकॉय इन तीनों के बीच में ये जो वाटर्स हैं इन दोनों को इससे डिवाइड करने का काम करता है और राइट और नाइन डिग्री क्यों बोलते हैं बिकॉज नाइन डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इक्वेटर के ऊपर लाइ करता है अब ये देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे आपको बहुत सारी कहानी समझ में आ जाएगी और दिमाग में सेटल करने की कोशिश कीजिएगा देखिए हम पहले यहां से बात करते हैं ये एंडमिन ये है सारे ग्रेट एंडमिन है ना ग्रेट एंडमिन को लिटिल एंडमिन से किसने डिवाइड किया था uh, ने, ये रहा ये पूरा मिला करके कंप्लीट एंडमिन इसको निकोबार से किसने डिवाइड किया था ये रहा टेन डिग्री चैनल ओके अब इधर आ जाओ ये पूरा लक्षद्वीप आइलैंड इसको मिनी आइलैंड से किसने डिवाइड किया था नाइन डिग्री चैनल ने अब मिनीकॉय अब नीचे और जाओगे तो मालदीव आ जाएंगे है ना हमारे पड़ोसी सो so, मिनी कॉय को मालदीव से डिवाइड कौन सा चैनल करता है अगेन एग्जाम में पूछा जा चुका है यह है एट डिग्री चैनल ठीक है तो एट डिग्री नाइन डिग्री टेन डिग्री और फिर डंकन याद रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मालदीव और मिनीकॉय के बीच में आठ डिग्री मीनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच में नौ डिग्री यहां पे एंडमिन और निकोबार के बीच में दस डिग्री और लिटिल एंडमिन और ग्रेट एंडमिन के बीच में डंकन पैसेज सेट हो गया बिल्कुल दिमाग में हां चलो अभी कोई ट्रिक टेक्निक की जरूरत नहीं है इसलिए हम सीधे सीधे बताते जा रहे हैं ऑलराइट right, आ गया स्ट्रेट ऑफ मलाका जो मैंने बोला था सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है कहाँ पे लाइक करता है अब हम देखेंगे तो अभी तक हमने पार्क स्ट्रेट देख लिया डंकन पैसेज देख लिया टेन डिग्री नाइन डिग्री एट डिग्री भी मैंने आपको बता दिया अब हम आ जाते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर चलो तो स्ट्रेट ऑफ मलाका बेसिकली देखो यहां से लोकेशन पकड़ो ये पूरा इंडिया और ये एशिया वाला पार्ट आ गया ये देखो ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है जो इंडोनेशिया और सिंगापुर और ये साल वाला हिस्सा है ठीक है और ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है ओके okay, तो अब वहीं से पकड़ने पकड़िएगा चीज को ये रहा थाईलैंड दिस इज मलेशिया दिस थाईलैंड ये इंडोनेशिया ओके okay, ये भी इंडोनेशिया का हिस्सा आगे जा रहा है ये मलेशिया का हिस्सा आगे जा रहा है दिस इज हाउ थिंग्स गो ओके okay, जावा एटसेट्रा आ जाएगा तो ये जो आपको बीच में पानी दिख रहा है बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया वाला हिस्सा है ये जो पूरा पानी आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ मलक्का ओके okay. मलेशिया और मलाक्का से आप याद रख सकते हो मलाक्का कहां पड़ेगा मलेशिया और मलेशिया पकड़ लो आसपास वाली चीजें अपने आप याद आ जाएंगी यहां और क्लियरिटी से देखो वहां इतनी क्लियर नहीं दिख रही होंगी चीजें दिस इज मलेशिया दिस इज सुमात्रा जो कि इंडोनेशियन आइलैंड का हिस्सा है और ये बीच में जितना भी पानी है दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाका ओके चलो आप पढ़ लेते हैं बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ सुमात्रा हाँ इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड और मलेशिया के बीच में जो पानी है ये है स्ट्रेट ऑफ मलाका सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट uh, है याद रखना है आपको मेन शिपिंग चैनल बिटवीन इंडियन ओशन एंड पेसिफिक ओशन देखो यहां पे यहां पे ये यह पूरा इंडियन ओशन है ठीक है यहां पे ये पैसेफिक ओशन आ जाता है उस तरफ अमेरिका आ जाएंगे आई होप यू रिमेंबर वर्ल्ड जोग्राफी जब मैंने पहले पढ़ाया था तो इंडियन ओशन को पेसिफिक ओशन से ज्वाइन करने का कनेक्ट करने का ये काम ये स्ट्रेट करता है पेसिफिक ओशन में भी पर्टिकुलरली यहां पे साउथ चाइना सी पड़ती है है ना? तो अधिकतर जो चाइना का सी रूट ट्रेड होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका से जाता है सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली सो लिंक बिटवीन इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी साउथ चाइना सी जो कि पैसिफिक ओशन का हिस्सा है और इंडियन ओशन इन दोनों के बीच में कनेक्ट का काम करता है शॉर्टेस्ट सी रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ठीक है इंडिया और चाइना के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट सी रूट है इनफैक्ट अगर आप फार ईस्ट की भी बात करो फार ईस्ट और इंडिया के बीच में भी शॉर्टेस्ट सी रूट है और इसलिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड यहां से बहुत ज्यादा ट्रेडिंग चलती है सी रूट बहुत वन ऑफ द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड है ये ओके सो स्ट्रेट ऑफ मलाका क्लियर है अब स्ट्रेट ऑफ मलाका के पास में ही सुंडा स्ट्रेट है कौन सा सुंडा सूंड सुन्द जैसा देखो आ, ये मलेशिया था अभी हमने देखा था ये पूरा क्या था इंडोनेशिया था है ना और यहां पे था ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का अब ये सूंड जैसा आगे चलता है और यहां पे इस पॉइंट पे पड़ता है सुंडा स्ट्रेट जो कि सुमात्रा और जावा के बीच में आएगा देखो अब मैं क्यों इतनी इजीली आपको जगहों के नाम बोल रही हूं क्योंकि मैंने आपको पूरा एशिया पॉलिटिकल और फिजिकल पढ़ा दिया है तो मैं इतना तो उम्मीद करूंगी आपसे कि आप ये थोड़ी थोड़ी चीजें तो पकड़ते चलेंगे ठीक है चलिए सो सुमात्रा और जावा के बीच में ये जो वाटर्स हैं जो कि जावा सी को किससे कनेक्ट करेंगे इंडियन ओशन से इस स्ट्रेट को कहा जाता है सुंडा स्ट्रेट और कैसे याद रखोगे सूंद जैसा ये लंबा आ रहा है ना इसके बीच में पड़ेगा सुंडा स्ट्रेट ओके सो बिटवीन इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ जावा एंड सुमात्रा इंडोनेशिया के ये दोनों ये भी जावा भी इंडोनेशिया का ही हिस्सा है सुमात्रा भी इंडोनेशिया का हिस्सा है ये पूरा इंडोनेशिया चल रहा है है ना तो इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा आइलैंड को सेपरेट आउट करता है और जावा सी को इंडियन ओशन से मिलाने का काम करता है सिंपल है कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए अब ये तो हो गया इंडिया के आजू बाजू का थोड़ा थोड़ा अब थोड़ा सा हम चलते हैं मिडिल ईस्ट वाले साइड में है ना मिडिल ईस्ट कौन सी अरब कंट्रीज वाला जो हिस्सा आ जाएगा चलो सो so, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये कहा पड़ता है थोड़ा सा मैप समझो ये देखो कि पूरा एशिया वाला हिस्सा चल रहा है ये आ गया अफ्रीका ये ऊपर यूरोप है है ना ये पूरा एशिया है और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये कहलाता है मिडिल ईस्ट ये भी एशिया का हिस्सा है है ना और यहां पर यह आता है सिनाई पेनेंस्यूला जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल माना जाता है और ये पूरा अफ्रीका यहां से शुरू हो जाता है तो ये जो आपको ये ऐसा हॉर्न जैसा दिख रहा है और यहां इधर जो ये पानी है इस पानी को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस यहां देखो आप ढंग से ये आ गया यहाँ पे देखो ये यू आ गया है ना ये पूरा मिडिल ईस्ट वाला और ये जो वाटर्स दिख रहे हैं ये रहे वो वाटर्स इसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ होर्मस ठीक है चलो सो आप पढ़ते हैं बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान अब देखो अगर आपको अगेन एशिया का मैप याद होगा तो यहां पे आता है पर्शियन गल्फ दिस इज कॉल्ड पर्शियन गल्फ और इसे कहा जाता है इस वाले हिस्से को इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ ओमान क्योंकि तो यहां ओमान पड़ता है ओमान से गल्फ ऑफ ओमान और ये परजियन गल्फ और इन दोनों को कनेक्ट करने का ये काम कर रहा है यहां पे ढंग से देख लीजिए ये रही परजियन गल्फ ये रही गल्फ ऑफ ओमान और ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मिस नहीं है इतना वाला हिस्सा जो है ना दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ये पूरी परजियन गल्फ है ये पूरी गल्फ ऑफ ओमान है क्लियर चलो सो बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान प्रोवाइड ओनली सी पैसेज इंपॉर्टेंट है ओनली सी पैसेज फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू ओपन ओशन और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है यानी कि चौक पॉइंट बेसिकली जो बहुत नैरो हो जाता है जहां से अगर मिलिट्रीज वगैरह जो अपने नेवल फोर्सेस एंड ऑल होती हैं अगर उनको उनके लिए स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है युद्ध वगैरह के टाइम पे ठीक है सो नॉर्दर्न कोस्ट में ईरान लाइक करेगा साउथ में यूएई और ओमान लाइक करेंगे सो बेसिकली ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ऊपर ईरान इधर यूएई और इधर ओमान पड़ते हैं बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है अच्छा जैसे कि मैंने कहा था वन ऑफ द मोस्ट तो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है और यहां से जितने भी नेचुरल गैस ओके एल एन जी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और जो ऑयल जो जिसके लिए मिडिल ईस्ट जाना जाता है उनकी बहुत सारी ट्रेड यहां से होती है अगेन ट्वेंटी फाइव परसेंट नहीं वन थर्ड थर्ड यानी कि ऑलमोस्ट थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट जो ऑयल uh, और नेचुरल uh, गैस वाला पूरा जो ट्रेड होता है वो यहाँ से होता है ठीक है बेसिकली ऑयल का नेचुरल गैस का तो मैक्सिमम यहीं से होता है जो मिडल ईस्ट से सप्लाई की जाती है या ट्रांसपोर्ट थ्रू सी रूट की जाती है ठीक है सो दिस इज वॉट वी हैव जस्ट स्टार्टेड ना कमिंग ओवर टू बाब अल मंदाब ओके वेट डू आई नीड टू टेल यू समल्सो नो दिस इज आ जाओ बाबल मंदाब इसको एम ए एन डी ए अफ्रीका एंड दिस इज ये एशिया का मिडिल ईस्ट मतलब बेसिकली एशिया ही है तो अफ्रीका और एशिया के बीच में ये पड़ रहा है राइट सो बाबल मंदाब का मतलब होता है गेट ऑफ ग्रीफ दुख का द्वार है ना गेट ऑफ ग्रीफ स्ट्रेट बिटवीन यमन अरेबियन साइड में देखो यहां पे आ रहा है सॉरी एशियन साइड में देखो यहां पे यमन पड़ रहा है और अगर आप बात करो अफ्रीका साइड की तो यहाँ पे एरिट्रिया दिस इज डिबूटी एंड दिस इज सोमालिया तो यहाँ पे ये तीन और यहाँ पे यमन इनके बीच में आता है मंदाब। मंदाराइट सो यमन, फिर डिबूटी एरिट्रिया एंड सोमालिया इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये जो आपको ये सीन जैसा निकला हुआ दिख रहा है इट इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका सो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इधर बाबल मंदा पड़ेगा और ये जो है ये आपको ध्यान रखना है कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में इसलिए मैं बार बार बता रही हूं दिस इज हॉर्मज ओके एंड दिस इज बाबल मंदा गुड नाउ कनेक्ट रेड टी रेड सी टू गल्फ ऑफ एडन अब देखो अगेन हमने जब अफ्रीका का पॉलिटिकल पढ़ा था और जब एशिया uh, का हमने फिजिकल पढ़ा था आपको पता है यहाँ ये रेड सी है ओके okay? और ये है गल्फ ऑफ एडन और इन दोनों को कनेक्ट करने का काम ये स्ट्रेट करता है है ठीक अब Mediterranean sea पड़ेगी यहां पे अगर आप इस मैप से समझना चाहो तो ये रही मेडिटेरेनियन सी ओके सो इट कनेक्ट्स द इंडियन ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी यहां पे ये पूरा दिस ओल इज इंडियन ओशन इसका पानी मेडिटेरेनियन सी तक कनेक्ट होता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेट के थ्रू कैसे देखो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करता है इसके बाद यहां पे स्विस कैनाल आता है तो यही पानी स्विस केनाल से होता हुआ मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होता है सो so ये अगर आप देखें कि जो पूरा इंडियन ओशन है वो मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होता है थ्रू बाबिल बंदा और एक वाया यानी कि थ्रू रेड सी एंड स्विज कैनाल ऑफ इजिप्ट ठीक है राइट यहां तक भी कुछ याद करने वाली चीजें नहीं थी सिर्फ समझने वाली है मतलब मैप पे देखने से याद हो जाएगा अब हम अफ्रीका से रिलेटेड एक और यू नो कैनाल देखते हैं चैनल देखते हैं दैट इज मोजाम्बिक मोजाम्बिक चैनल चैनल तो देखो आ, आपने मोजाम्बिक जब मैंने अफ्रीका का पॉलिटिकल पढ़ाया था है ना मोजाम्बिक की लोकेशन आपको पता होगी और मैडा की भी आपको पता होगी ये जो एक आइलैंड टूटा हुआ है अफ्रीका से दैट इज कॉल्ड मैडा और ये रहा मोजाम्बिक। ओके okay, और इन दोनों के बीच में जो वाटर्स हैं, दिस इज़ जाता है, right? so, Ocean, course, है उसी का ये एक्सटेंशन है सो आर्म ऑफ इंडियन ओशन लोकेटेड बिटवीन साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ मैडागैसकर एंड मोजाम्बिक बस लोकेशन ध्यान रखनी है आपको अब अब हम आ जाते हैं एशिया और यूरोप के बीच में डिमार्केशन लाने वाले वो कौन से स्ट्रेट्स हैं ठीक है तो जिनको टर्किश स्ट्रेट्स भी कहा जाता है बिकॉज ये टर्की एशियन पार्ट ऑफ टर्की और यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की को सेपरेट आउट करेंगे सो so, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉस्पोरस स्ट्रेट जब मैंने आपको ओशंस पढ़ाए थे तो इनमें से काफी सारे स्ट्रेट्स का मेंशन आ गया था जब मैंने आपको टिनेंट्स uh, पढ़ाए थे तो भी इनमें से कुछ स्टेट्स का मेंशन आ गया था तो थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड रखिएगा इन्फॉर्मेशन को चलिए so, सबसे सब पहले हम पढ़ेंगे बॉस्पोर स्ट्रेट अब देखो ये मैप इतना क्लियर नहीं होगा मैं समझा देती हूं यहां से लोकेशन पकड़ने की कोशिश करो ये आ जाएगा पूरा यूरोप और ये आ रहा है हमारा एशिया हाँ सो ये देखो ये टर्की ये आ रहा है अपना एशिया वाला हिस्सा है ना अब ये जो पॉइंट्स हैं वन टू ये दोनों स्ट्रेट्स हैं एक बॉस्फोरस स्ट्रेट पढ़ेंगे दूसरा स्ट्रेट पढ़ेंगे अभी मैं नाम नहीं बता रही हूं so, स्ट्रेट विल okay? अब इसी को इसी एरिया को जूम करके हमने यहां दिखाया है ये एशिया का टर्की वाला हिस्सा और ये यूरोप का टर्की वाला हिस्सा और इनके बीच का जो वाटर आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड बॉस्फोरस स्ट्रेट ऑलराइट सो बॉस टर्की डिवाइड हो रही है एशिया और यूरोप में ठीक है कौन कर रहा है बॉस वॉस्फोरस कर रहा है बॉस ओके इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट ऑफ इस्तानबुल इस्तानबुल का स्ट्रेट भी इसको कहा जाता है क्यों क्योंकि इस्तानबुल सिटी ऐसी है ध्यान से यहाँ देखिएगा इस्तानबुल ऐसी सिटी है जो डिवाइड हो रही है इस स्ट्रेट की वजह से तो इस्तानबुल इज एन इंटर कॉन्टिनेंटल सिटी लेडीज एंड जेंटलमैन ठीक है इंटर कॉन्टिनेंटल है एशिया में भी आती है यूरोप में भी आती है ठीक है बॉस ओके कनेक्ट्स ब्लैक सी टू सी ऑफ मारमरा अब देखो यहां से समझने की कोशिश करो इसको थोड़ा सा ये आ रहा है ब्लैक सी और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना दिस इज कॉल्ड सी ऑफ मारमरा ओके ब्लैक सी सी ऑफ मारमरा और इनको कनेक्ट कर रहा है बॉसफोरस राइट सो दिस इज ब्लैक सी दिस इज सी ऑफ मारमरा और ये आ रहा है आपका बॉस्फोरस देन पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया ये एशिया है वो यूरोप है और डिवाइड करता है टर्की को सेपरेटिंग एनाटोलिया फ्रॉम थ्रास थ्रास आ जाता है और इनके बीच में ये डिविजन कर रहा है तो ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी अगर आप एब्जॉर्ब करना चाहें तो कर सकते हैं और राइट देन एक हो गया बॉस्फोरस ठीक है बॉस टर्की को डिवाइड करा एक है डार्डनिल्स ये पढ़ा चुकी हूं पहले मैं, डार्डनिल्स। डार्डनिल्स भी एशिया और यूरोप के बीच में डिविजन क्रिएट करने का काम करता है. अब देखो ये थी सी ऑफ यूरोपियन टर्की आ जाएगा और ये यह डार्डनल दूरिया लगे आ रहे हैं है ये देख लो ये टर्की ऑफ एशिया अनाटोलिया वाला हिस्सा आ गया और ये सी ऑफ मारमेरा थी वहां सी ऑफ ब्लैक सी आ जाएगा उनको बॉस्फोरस जोड़ रहा था अब सी ऑफ मारमरा और ये आ गया आपका डार्डनर स्ट्रेट जो कि एशियन सी से इसको मिलाएगा ये सीज हमने अगेन जब हमने यूरोप का फिजिकल पढ़ा तो मैंने करवा दी है ठीक है सो इसलिए मैं रटवा नहीं रही हूं कुछ भी आपको इसको स्ट्रेट ऑफ गैलीपोली या हेलिसपॉन्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गैलीपोली पेनिसला आता है ठीक है तो स्ट्रेट ऑफ गैलीपोली भी कहते हैं हेलिसपॉन्ट भी कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न टर्की में आता है कॉन्टिनेंटल बाउंड्री बनाता है यूरोप एशिया की तो ये टर्की था पूरा उसका नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है ये और एशिया और यूरोप में बाउंड्री बना रहा है कनेक्ट सी ऑफ मारमरा विथ एजियन एंड मेडिटेरेनियन सी एजियन और मेडिटेरेनियन के बीच में कनेक्ट क्यों क्योंकि अब देखो ये आ रही है मेडिटेरेनियन सी ये है ब्लैक सी यहां पे आ जाता है सी ऑफ मारमरा यहां पे आ जाता है एजियन सी ओ सॉरी सो मारमरा को एजियन से और फिर उसको नीचे फर्दर आप यहाँ ले आओ तो मेडिटेरेनियन से जोड़ने का काम करता है मैं मैप दिखाती जा रही हूं आपको आ, ये छोटे छोटे पीसेज में है बट देन यू गॉट टू इमेजिन इट इमेजिनटली मेडिटेरेनियन सी का लोकेशन आपको पता होगा ठीक है सो इन सब को ये जोड़ने का काम कर रहा है बेसिकली मारमरा को एजियन से एम ए माँ है ना माँ से आप ध्यान रख सकते हो कि दर्द दर्द जब भी हमको होता है हम माँ को याद करते हैं तो मारमरा और एजेंट को जोड़ने का काम दर्द से डार्डनल्स या डार्डनल्स

सो दिस इज अ पाउड ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला है ना और ये आ गया मोरक्को थोड़ा सा अफ्रीका याद है हा सो so मोरक्को और यहां पे ये क्यूटा स्यूटा या क्यूटा जैसे भी आप प्रोनाउंस करें स्पेन की टेरिटरी में पड़ता है ओके और यहां पे ये आता है जिब्राल्टर जो कि यूके की टेरिटरी में पड़ता है सो so, ये आ, मोटा मोटे तौर पे बात करें तो आइबेरियन पेनिनसुला को अफ्रीका के मोरक्को से दूर करने का काम करता है नॉर्दर्न साइड में स्ट्रेट के पड़ जाता है स्पेन एंड जिब्राल्टर ये स्पेन आ गया यूरोप का और ये जिब्राल्टर ये नॉर्थ में है जबकि साउथ में क्या क्या आएगा एक मोरक्को आ जाएगा और एक स्यूटा या क्यूटा हम क्यूटा हम बोलते हैं बोलने में क्यूट लगता है ठीक है तो देखो अब इसको याद कैसे करोगे जिब्राल्टर के लिए जेब्रा जिब्राल्टर जेब्रा मिलता जुलता और ये मोरक्को वैसे भी जेब्रा अगर हम बोलेंगे तो एनिमल्स के लिए कौन सा कॉन्टिनेंट जाना जाता है अफ्रीका जाना जाता है तो ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में जिब्राल्टर पड़ जाएगा ठीक है चलिए ऑलसो पुराने जमाने में बहुत पहले एंटीक्टीज में इट वॉज ये जो बाउंड्रीज है ना ऊपर स्पेन और नीचे मोरक्को एंड ऑल दैट सो बाउंड्रीज जो है इसकी ये स्पेन जिब्राल्टर मोरक्को और स्यूटा वर नोन एज पिलर्स ऑफ हर्क्यूलीज पिलर्स ऑफ हर्क्यूलीज इनको कहा जाता था पहले के ज़माने में अब ना right? अब थोड़ा सा अफ्रीका हो गया अफ्रीका के आसपास के हमने देख लिया थोड़ा सा यूरोप में ऊपर की तरफ चलते हैं ओके okay? जो ब्रिटिश आयल्स था हिस्सा याद है थोड़ा बहुत ये पूरा अपना ये यूरोप चल रहा है और ये आ जाते हैं ब्रिटिश आयल्स है ना तो यहां पे अब आता है इंग्लिश चैनल वन ऑफ रादर इट इज सेड टू बी दिजीएस्ट सी रूट वेन इट कम्स टू ट्रेड ओके सो इंग्लिश चैनल इंग्लिश चैनल एटलांटिक ओशन का आम है ऑफ कोर्स एटलांटिक ओशन का आम होगा बिकॉज यहां पे कौन सा वाटर्स है ये पूरा एटलांटिक ओशन चल रहा है तो उसी का एक एक्सटेंशन है सेपरेट सदर्न इंग्लैंड फ्रॉम नदर्न फ्रांस ये इंग्लैंड है इंग्लैंड का सदर्न हिस्सा और ये फ्रांस का नदर्न हिस्सा और इनके बीच में यहां तक नहीं जाएगा राइट right? सो so, ये इंग्लैंड और ये फ्रांस और इनके बीच में ये इंग्लिश चैनल आ गया यहां देख लीजिए इट तो विल बी बेटर ये इंग्लैंड है इसका ये सदर्न हिस्सा आ गया ये फ्रांस है इसका ये नॉर्दर्न हिस्सा आ गया और बीच में ये इंग्लिश चैनल है कहां तक ये देखो स्ट्रेट ऑफ डोवर अभी हम आगे पढ़ेंगे यहां तक ये इंग्लिश चैनल कहलाता है उसके आगे स्ट्रेट ऑफ डोवर आ जाएगा ठीक है सो दिस इज इंग्लिश चैनल और ये पूरा इधर एटलांटिक ओशन चल रहा है सो लिंक्स नॉर्थ ओके कहां पहुंच गए हम ओशन का आम है जो कि साउथ इंग्लैंड और नॉर्थ फ्रांस के बीच में पड़ता है टेपर्स ईस्ट वर्ड टू लिंक टू नॉर्थ सी एट स्ट्रेट ऑफ डोवर अब देखो ईस्ट में जैसे जैसे आप जाओगे ना सकरा होता जाता है नहीं, टेपर करता जाता है यहाँ पे ब्रॉड है ईस्ट में आते आते ये थोड़ा टेपरिंग हो जाता है और ये है नॉर्थ सी नॉर्थ सी से स्ट्रेट ऑफ डोवर के थ्रू कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ दो चीजें आ गई इंग्लिश चैनल स्ट्रेट ऑफ डोवर एंड नॉर्थ सी यहाँ पे अटलांटिक ओशन है इंग्लिश चैनल से गए ओके okay? देन ये स्ट्रेट ऑफ डोवर से गुजरे और नॉर्थ सी से जुड़ गए गॉट इट चलिए वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग एरियाज इन द वर्ल्ड इट इज केम टू बी द मोस्ट बिजिएस्ट शिपिंग रूट्स ट्रेडिंग रूट्स इन द वर्ल्ड ना स्ट्रेट ऑफ डोवर अभी हमने देखा इंग्लिश चैनल था और वो नॉर्थ सी से स्ट्रेट ऑफ डोवर के थ्रू मिलता है तो अब वही लोकेशन देख लो ये रहा इंग्लिश चैनल ये आ गया स्ट्रेट ऑफ डोवर और ये रही नॉर्थ सी और यहां पे हमारा आ जाता है एटलांटिक ओशन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे हिस्टोरिकली ये जो डोवर स्ट्रेट है इंग्लैंड डोवर ड से आप याद रख सकते हो नहीं तो इंग्लिश चैनल और डोवर डी ई -E, एक साथ ही आता है ना ए बी सी डी ई -E, इंग्लिश डोवर ओके सो so, डोवर नैरोज भी इसको कहा जाता था बिकॉज इट इज वेरी नैरो ओके सेपरेट ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम कॉन्टिनेंटल यूरोप अब ये जो पूरा ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है ना इसको पूरे कॉन्टिनेंटल यूरोप से डिवाइड करने का काम करता है इधर आप पिछले वाले मैप पे अगर बेटर समझ पाओ तो यहां से देख लो ये देखो ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन को पूरे मेन लैंड से ये रहा डोवर स्ट्रेट ओके सो दिस इज दी एंटायर ग्रेट ब्रिटेन वाला पूरा हिस्सा आ जाएगा ये पूरा आपका मेन लैंड ऑफ यूरोप है देन नैरोस्ट पॉइंट है ये पूरे इंग्लिश चैनल का हमने देख ही लिया है और बाउंड्री बनाता है बिटवीन द इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी ये भी हमने देख लिया है ओके okay? देन अब हम आते हैं नॉर्थ चैनल पे अभी हमने देखा इंग्लिश चैनल हमने देखा डोवर चैनल और डोवर स्ट्रीट अब हम आते हैं नॉर्थ चैनल पे ये कहां पड़ता है ये समझो यहां पे इंग्लिश चैनल था यहां पे डोवर स्ट्रीट था नाउ कौन सा चैनल हम पढ़ेंगे नॉर्थ चैनल नॉर्थ सी हमने पढ़ा ये रही ये पूरी नॉर्थ सी है अब इधर देखो कैसे समझ यहां पे पड़ेगा ये दिस इज कॉल्ड नॉर्थ चैनल सो बेसिकली आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में आता है थोड़ा बहुत याद रखना जो मैप्स पढ़ा चुकी हूं पहले स्ट्रेट बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड का यह नॉर्दर्न हिस्सा और उसका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट एंड साउथ वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न स्कॉटलैंड उनके बीच में ये जो पानी है इसको बोलते हैं नॉर्दन चैनल ओके चैनल कनेक्ट्स आयरिश सी विथ एटलांटिक ओशन ये पूरी आयरिश सी है यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा ये रही आयरिश सी और उसको एटलांटिक ओशन से कनेक्ट करने का काम करता है ये ओके यर इज द आयरिश सी यर इज द एटलांटिक ओशन एंड इट कनेक्ट्स द टू ऑलराइट एनी अदर प्रॉब्लम इन दिस शुंट बी चलिए अब हम आ जाते हैं आ, डेविस स्ट्रेट की तरफ यानी कि अब हम मूव कर रहे हैं देखो हमने ये सारी चीजें कवर कर ली अब हम थोड़ा सा यहां पे आएंगे इधर है ना फर्दर नॉर्थ साइड में थोड़ा चलते हैं अमेरिका के ईस्टर्न साइड में आ जाते हैं तो ये पूरा एटलांटिक ओशन था इधर आर्टिक ओशन है अब हम यहां इधर मूव कर रहे हैं ओके सो डेविस स्ट्रेट कहां पड़ता है पहले लोकेशन समझ लो ये रहा डेविस स्ट्रेट ओके डेनमार्क स्ट्रेट डेविस स्ट्रेट और यहाँ पे हडसन स्ट्रेट आ जाएगा अभी इसके बाद में पढ़ाऊंगी सो डेविड स्ट्रेट बेसिकली कैनेडा के आसपास समझिए आप है ना कैनेडा ग्रीनलैंड के बीच में पड़ रहा है अब ये देखो ये रहा ग्रीनलैंड विच इज दार्जेस्ट आईलैंड ओके और ये रहा ये पूरा कैनेडा है ये उसका बैफिन आइलैंड है दिस इज बैफिन आइलैंड एंड दिस इज ग्रीनलैंड ये कैनेडा का हिस्सा है और बीच में ये आ जाता है डेविस स्ट्रेट सो नदर्न आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन ऑफकोर्स ये अटलांटिक ओशन है और ये इसका नॉर्थ तो नदर्न आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन इसके नॉर्थ में यानी कि डेविस स्ट्रेट के नॉर्थ में आता है जो कि ये नदर नाम जो कि लैब्रोडोर सी के नॉर्थ में आ रहा है और बैफिन बे के साउथ में आ रहा है ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसको समझिएगा नॉर्दर्न आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन लाइज नॉर्थ ऑफ लैब्रोडोर सी एंड साउथ ऑफ बैफेन बे यहां पे लेब्रोडोर सी आती है अटलांटिक ओशन चल रहा है नॉर्थ में यह लेब्रोडोर सी लेब्रोडोर सी के ऊपर और यह बैफिन बे है इसके नीचे क्या पड़ता है क्या पड़ता है डेविस डेविस स्ट्रेट स्ट्रेट पड़ता है ओके okay. अब यह ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में है यह नॉर्थ वेस्टर्न ग्रीनलैंड एंड दिस एंड दैट उसकी इतनी जरूरत नहीं है मोटा मोटा समझ लीजिए ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड याद रखिएगा बैफिन बे यहां पड़ता है बैफिन आइलैंड है बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में आ जाएगा डेविड स्ट्रेट हाँ तो मिस्टर डेविड को ग्रीनलैंड और कनाडा दोनों सुंदर सुंदर जगह है ना उनके बीच में रहना पसंद है मिस्टर मिस्टर डेविड डेविड लाइक्स लाइक्स ग्रीन ग्रीन और वो भी बैरन हो या बैफिन बोलो बैरन बोलो जैसे भी समझ लो अगर बैरन मत बोलो बैरिंग स्ट्रेट याद कर लोगे बैफिन बे के बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में डेविड स्ट्रेट पड़ता है चलिए देन हम आ जाते हैं हडसन स्ट्रेट पे वेर आर वी कमिंग हडसन स्ट्रेट ये अभी हमने डेविड स्ट्रेट पढ़ा था मुझे फिर चेंज करनी पड़ेगी ये चलिए ये अभी हमने डेविड स्ट्रेट पढ़ा था जो कि ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में आ रहा था अब बैफिन आइलैंड और क्वेबैक आइलैंड के बीच में ये पूरा बैफेन आइलैंड है ये कुबैक आइलैंड है इसके बीच में ये देखो हडसन स्ट्रेट आ रहा है ओके सो बैफिन ग्रीन डेविड ग्रीनलैंड ग्रीन डेविड को पसंद है है ना और क्विबैक के बीच में हडसन आ जाएगा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा लिंक्स ओशन एंड एटलांटिकैब्रोडोर सी टू हडसन बे अब देखो हडसन बे समझो ये रहा हडसन बे ठीक है तो यहां पे पूरा ये अटलांटिक ओशन आ रहा है ये लैब्रोडोर सी आ रही है इसको कनेक्ट करने का काम करता है हडसन स्ट्रेट किससे हडसन बे से लाइज बिटवीन बैफेन आइलैंड एंड नॉर्दर्न क्विबेक आइलैंड ऑफ कैनेडा कैनेडा के ही अंदर आ रहा है ये पूरा राइट देन मूविंग ओवर टू द बेरिंग स्ट्रेट अब हम कहाँ जा रहे हैं अब हम आ रहे हैं यहाँ पे जिसके लिए अगेन आई नीड टू चेंज द इंक बिकॉज थिंग्स वोट बी विजिबल अब ये देखो यहाँ का पूरा हिस्सा हमने कर लिया ना no, अमेरिकाज के अभी हम ईस्ट में थे अब अमेरिकाज के हम थोड़ा वेस्ट में आते हैं और देखते हैं एशिया और अमेरिका के बीच में जो डिफरेंस लाता है या जो uh, एशिया एंड अफ्रीका एशिया को अमेरिका से कौन डिवाइड कर रहा है कौन सा स्ट्रेट है बाउंड्री का का काम कर रहा है बेरिंग स्ट्रेट राइट सो सेपरेट्स रशिया पार्ट ऑफ एशिया फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट आर्टिक सर्कल के थोड़ा सा पड़ता है ये. Okay? एंड एल्स इट बॉर्डर्स चुपची सी जो कि आर्टिक ओशन का पार्ट है हम पढ़ चुके हैं एंड बेरिंग सी जो कि पैसिफिक ओशन का पार्ट है तो बेसिकली ये पैसिफिक ओशन को आर्टिक ओशन से कनेक्ट करने का भी काम कर रहा है आर्टिक ओशन में यहाँ पे चुपची सी पड़ती है और ये पेसिफिक ओशन में ये पूरी बेरिंग सी पड़ रही है और इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है बेरिंग स्ट्रेट और राइट यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई ये लोकेशन है बेरिंग सी की और बेरिंग स्ट्रेट की और यहाँ आप देख लीजिए यूएस का अलास्का और एशिया का रशिया एंड दिस इज बेरिंग स्ट्रेट ये आर्कटिक सी आ जाएगी और ये हमारी पैसिफिक आर्कटिक ओशन आ जाएगा पैसिफिक ओशन आ जाएगा पैसिफिक ओशन का बेरिंग सी आर्कटिक ओशन का चुक ची सी और ना इसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रख लीजिए इंटरनेशनल डेट लाइन जिसपे कि ऐसा माना जाता है कि डेट लाइन को क्रॉस करो तो डेट बदल जाएगी है ना डेट क्रॉस करो तो डेट बदल जाएगी सो so, रशिया और यूएस में अलास्का के बीच में ये जो पूरा बेरिंग स्ट्रेट है इसमें पढ़ते हैं डायमीड आइलैंड ये सब पढ़ा चुकी हूं पहले एक बार जब ओशन पढ़ाए थे डायमीड आइलैंड डायमीड आइलैंड दो हिस्सों में है वन इज कॉल्ड दी बिग डायमीड आइलैंड वन इज कॉल्ड दी लिटिल डायमीड आइलैंड और इनके बीच में से होती हुई इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है ओके सो इंटरनेशनल डेट लाइन आ रही है और डायमीड आइलैंड्स के बीच में से जाती है तो ये जो बिग डायमिड आइलैंड है ये एशिया में आता है और ये जो लिटिल डायमिड आइलैंड है ये यूएस में आता है राइट सो अगर आप इस तरफ जाएंगे तो एक दिन पीछे चलेगा है ना डेट पीछे चलेगी क्योंकि इट इज कंसिडर टू बी दिफार वेस्ट सो दिस इज हाउ थिंग्स गो डायमिड आइलैंड लाई मिडवे इन द स्ट्रेट नेशनल एंड कॉन्टिनेंटल बाउंड्री सेपरेट डायमिड आइलैंड मैंने बता दिया बिग डायमिड एशिया में आता है और लेसर डायमिड यूएस में आता है इंटरनेशनल डेटलाइन रन इक्वी डिस्टेंट बिटवीन दी डायमिड आइलैंड दोनों डायमिड आइलैंड से इक्वी डिस्टेंट है और ऐसे ही बीच में से रन करती है ओके देन मूविंग टू द कुक स्ट्रेट कुक स्ट्रेट अब हम आ जाते हैं नीचे ओशिनिया वाले रीजन में ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले स्ट्रेट देख लेते हैं तो कुक स्ट्रेट आएगा न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के दोनों आइलैंड्स को आपस में डिवाइड करने का काम करता है ठीक है सो कुक स्ट्रेट दी नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के जो आइलैंड्स आईलैंड दो हिस्सों में आपको दिख ही रहा है ठीक है है एंड और ये जो बीच में आपको वाटर दिख रहा दिस इज कॉल्ड कुक स्ट्रेट देन कुक स्ट्रेट क्या करता है देखो यहां पे तस्मानियन सी है तास्म सी सो so, तास्म सी और साउथ पैसिफिक ओशन यहाँ पे पूरा पैसिफिक ओशन चल रहा है ठीक है सो so, तास्म सी और साउथ पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है कुक स्ट्रेट सो कनेक्ट सासवंसी ऑन दी नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ पैसेफिक ऑन दी साउथ ईस्ट देन वेलिंगटन जो है कैपिटल सिटी उसके पास से ये जाता है देन uh, बस इसमें और कुछ भी नहीं यहाँ के वाटर्स को बहुत डेंजरस माना जाता है साउथ पैसिफिक के पानी को वैसे भी डेंजरस माना जाता है बिकॉज उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें निकलती हैं और आसपास जितने कम यू नो लैंड मार्सेस होंगे उस जगह का पानी उतना ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है राइट वाटर करंट उतने ही स्ट्रांग हो जाते हैं वहां पे इसलिए यहाँ के पानी को डेंजरस माना जाता है तो नॉर्दर्न आइलैंड को सदर्न आइलैंड से कहा के न्यूजीलैंड के डिवाइड करने का काम करता है कुक 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 स्ट्रेट देन अब ये तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हो गए कुछ और हैं जो मुझे आपको बताने हैं जैसे कि एक जो भी मैंने गलती से बोल दिया था दैट इज बास स्ट्रेट सो उसके बारे में देख लेते हैं बास स्ट्रेट ये क्या काम करता है मतलब ये किसको डिवाइड करने का काम करता है ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मेनिया से ऑस्ट्रेलियन जो मेन लैंड है उसको तस्मेनिया से डिवाइड करने का काम करता है ये बीच में बास स्ट्रेट पड़ जाता है सो so, कहाँ है ये पूरा पैसिफिक ओशन में ही है राइट सो पैसिफिक ओशन तस्मेनिया को ऑस्ट्रेलियन मेन लैंड से डिवाइड करता है फिर एक आएगा टोरस स्ट्रेट टोरस स्ट्रेट ये यहाँ पड़ेगा ये जो पापुआ न्यू गिनी है उसको ऑस्ट्रेलियन मेन लैंड से डिवाइड करता है और ये अरबोरा सी और आ, कोरल सी को कनेक्ट करने का काम करता है ओके सो सी एंड कोरल सी को कनेक्ट करता है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को डिवाइड करता है ये जब हमने ओशीनिया कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो ये चीजें आई थी ये सारे नेम्स रटने की कोई जरूरत नहीं है स्ट्रेट को थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिएगा ये टी से टॉरेट स्ट्रेट हो जाएगा और ये बस बस तस्मेनिया और ऑस्ट्रेलिया थोड़े पास पास रहे बस इसी के लिए बीच में बस स्ट्रेट है राइट एंड लास्टली पैसिफिक और अटलांटिक को सदर्न साइड में जोड़ने के लिए दो और इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं एक हो जाएगा हमारा ड्रेक पैसेज जिसके बारे में अगेन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये देखो ये साउथ अमेरिका है साउथ अमेरिका के इधर साउथ से ये जा रहा होता है ड्रेक पैसेज केप हॉर्न जो सदर्न मोस्ट हिस्सा है उसके नीचे से ये ड्रेक पैसेज जाता है तो आपको लोकेशन ध्यान रखनी है साउथ अमेरिका के साउथ से ड्रेक पैसेज जाता है और ये साउथ अमेरिका में ही आई मीन दिस इज नेवर हैपन विथ मी जब आप ऑफिस में पूरा दिन काम करके आते हो और आप बहुत एग्जॉस्टेड हो पर आपको रिकॉर्ड करना है बिकॉज डेडलाइन निकली जा रही है आप ऑलरेडी लेट हो तो आप बहुत लेस एनर्जी में भी रिकॉर्डिंग करते हो और तब हाथ से पेन छूटते हैं आपके सो दिस इज स्ट्रेट ऑफ मैगलिन स्ट्रेट ऑफ मैगलिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है सो so, चिली वाला ये पूरा हिस्सा ये अर्जेंटीना चिली है ना सो so, इसके बारे में भी पढ़ा चुकी इसलिए डिटेल में नहीं जा रही हूँ सो so, uh, ये भी क्या काम करेगा ये भी एटलांटिक uh, और पैसिफिक को कनेक्ट करने का काम करता है दिस साइड इज दटलांटिक सो दिस इज एटलांटिक एंड दिस इज पसिफिक और इनको कनेक्ट कर रहे हैं हम मैगलिन स्ट्रेट और नीचे से इधर से ड्रेक जाएगा इनके थ्रू राइट सो इंपॉर्टेंट दिसमैन खत्म होते हैं एनर्जी <laughs> हो इतनी मस्त नहीं थी बट ठीक है कोई बात नहीं प्रीपोन करके हम रिकॉर्ड करेंगे एनी जो भी मैंने पढ़ाया हिंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी बिकॉज अधिकतर चीजें मैप के थ्रू याद हो जाएंगी मैंने पहले ही आपको मैप्स पढ़ा रखे हैं एशिया अफ्रीका अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियान सबके हमने मैप पढ़े हुए हैं uh, इसलिए मैंने मैप का सहारा लेते हुए सब कुछ पढ़ाया है एंड पीडीएफ जो भी कुछ मैंने आपको अभी दिखाया सेम पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा परचम क्लासेस डॉट इन पर यू कैन टेक फ्रॉम देयर एंड वर्ल्ड जोग्रफी के साथ साथ ही वर्ल्ड जोग्राफी मैंने बीच में कराई बिकॉज लॉट ऑफ यू वर डिमांडिंग फॉर इट इंडियन जोग्रफी आर्ट एंड कल्चर ये सब कंटिन्यू होता रहेगा आपके जो डिमांडेड टॉपिक्स हैं वो हमारे पास आ रखे हैं वी विल यू नो डेफिनेटली ब्रिंग विडियोज ऑन दैम सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट दैट इज ऑन थर्सडे ओके okay, अब हम कब मिलेंगे थर्सडे को सेवन पी एम फॉर श्योर थर्डे सेवन पी एम मैं वीडियो कम और तब तक टेक केयर बाय बाय